भोपाल में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी जबलपुर संबंधित छात्र छात्राओं ने जनरल प्रमोशन की मांगों को लेकर भोपाल में धरना दिया, जिसमें मध्य प्रदेश के कई जिलों के छात्रों ने हिस्सा लिया है। छात्रों के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने 2019 में एडमिशन लिया है और उनका अभी तक 3 साल हो गए हैं, तो उन्हें अभी तक फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं लिए हैं के विरोध में उन्होंने आज मध्य प्रदेश काउंसिल में धरना दिया। छात्रों द्वारा बताया गया है कि वह लगातार 1 माह से लगातार यूनिवर्सिटी काउंसिल एवं शिक्षा मंत्री के सामने अपनी मांगों को रखते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया, तो आज उनके द्वारा भोपाल में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा उन्हें बलपूर्वक रोकने की कोशिश की गई, सरकार द्वारा आवाज़ को प्रशासन द्वारा दबाने की कोशिश की गई। छात्र कहते हैं कि उनको जनरल प्रमोशन में ले ताकि वह अपने पिछले 3 सालों को कवर कर सकें और आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। ये वही युवा है जो सरकार ने सम्मानित कर रही थी, ये वही युवा है जो कोरोना में अपनी जान पे खेल कर आम लोगों की जान बचा रहे थे। आज वही युवा इंसाफ के लिए वोटों पे खड़े है। क्या सरकार की यही संवेदनशील है, क्या सरकार की यही फैसला है, क्या सरकार का यही इनाम है? ये सारे सवाल आज हम सरकार से पूछे जाएंगे। क्या यही वो युवा है जिनके दम पे हम सरकार बनाते हैं? ये वही युवा है जो हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं? आइए हम बात करते हैं युवा के साथ। जी, हमारे यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है ये प्रमोशन के लिए हो रहा है, जनरल प्रमोशन के लिए। यहाँ पर जो हमारे विद्यार्थियों को पैरा मेडिकल छात्रों को बीपीटी से संबंधित और डीएमएलटी से उन्हें पैरा मेडिकल में आते हैं, उन्हें छात्रों प्रमोशन भी दिया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। हम किसी श्रेणी में जाते हैं तो वहाँ से हमें इसलिए शिक्षा मंत्री की ओर भेज दिया जाता है, उधर जाते हैं तो उधर से कई बार भेज दिया जाता है, हमें गुमराह किया जा रहा है। इसलिए सबसे ये निवेदन है हमारा कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारी मांगों को सुना जाए। जिस तरह हमारे बीएससी नर्सिंग वालों के छात्रों के साथ ये सुना गया था, क्योंकि क्या संख्या ज़्यादा है उनको ध्यान में रखा गया था। हमारी संख्या उतनी नहीं है, पर हम भी उसी की तरह हैं, तो हमें भी जनरल प्रमोशन दिया जाए। हम भी डॉक्टर डिग्री कर रहे हैं तो हमें भी जनरल प्रमोशन दिया जाए। छात्रों, सर मैं 2019 में मैंने एडमिशन लिया था, मैं छिंदवाड़ा जिले से आया हूँ। तो मैंने 2014 में एडमिशन लिया था, अभी तक फर्स्ट ईयर का भी पेपर नहीं हुआ है। 3 साल होने को आ गए, जुलाई 2019 का एडमिशन मेरा। तो नर्सिंग वालों को जनरल प्रमोशन दे दिया है, बोलते मेडिकल फील्ड में प्रमोशन नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने नर्सिंग वालों को लगातार 2 साल प्रमोशन दिया है। 2020 में भी दी, 19 में भी दिया और 2020 में भी दिया, लेकिन अभी तक हमको एक बार भी प्रमोशन नहीं मिला है 2019 से लेके। सभी छात्रों की यही परेशानी है, उन लोगों को बस इधर से उधर या तो यूनिवर्सिटी या तो काउंसिल या तो शिक्षा मंत्री के पास बस इधर से उधर घुमाया जा रहा है। योगेश, गर्ल्स में, गर्ल्स में सर, सर सर जो कर रहे हैं सर, वैसे भी सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सर, हर फील्ड से आते हैं, कोई फार्मिंग बैकग्राउंड से आता है, कोई बिजनेस से आता है, तो मतलब हर तरीके के स्टूडेंट सर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। स्टूडेंट अपने जो है उनका खर्चा चलता है। 2 साल से हम लोगों की जो है एग्जाम नहीं हुए हैं और सर फीस से ज़्यादा 3 साल हो गए हैं और फीस से ज़्यादा तो जो है हम लोगों का ये रूम रेंट लग गया। हम लोग आते जाते हैं यहाँ से, इसका खर्चा अलग से होता है। वैसे ही हम लोग अनएम्प्लॉयड है, तो घर वालों पर मतलब टोटली डिपेंडेंट है सर, और यहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं होती, हम लोग कैसे घुमरा किया जा रहा है। एंड दिस पीपल आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, द फ्यूचर ऑफ निकलता है। दूसरा 2019 में भी एक बीच निकलेगा, तो अगर 2019 में अगर फाइनल ईयर के एग्जाम होते हैं तो वो बेच अपना नया एक तो एग्जाम फॉर्म करते हैं, मेडिकल में कहीं पे भी जॉब करते हैं, खुद का लैब खोलते हैं, और फिर 2020 में होता वो भी ऐसा करते हैं, 2021 में होता वो भी कंटिन्यू। 3 साल के बच्चे अगर कॉलेज में ही रहेंगे और जूनियर नए एडमिशन ले रहे, मतलब 6-6 बैच एक ही क्लास में पढ़ रहा है, तो फिर बाकी जो एक साथ जॉब के लिए फिर एक साथ कितनी भीड़ हो जाएंगे आगे का भी तो सोचो। अभी का तुम सोच रहे हो कि अभी तुमको जनरल प्रमोशन ही देना, लेकिन एक साथ भी तुम एक साथ एक पूरे पूरे बच्चों को भीड़, 6 साल वाले बच्चों को एक साथ तुम कहाँ भरोगे, किस हॉस्पिटल में जॉब दोगे? अगर प्राइवेट में भी खुलेंगे तो हम कहाँ मार्केट लगाएंगे? मार्केट में भी तो हमारे प्लेस होना चाहिए ना। अगर हर साल तुम हर